हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो हम जीके इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं एक बाइक पे हीरो होंडा स्प्लेंडर में। ये उस समय का स्प्लेंडर गाड़ी है जब हीरो और होंडा साथ में हुआ करते थे। तो ऐसे तो उसकी वायरिंग नॉर्मल ही रहेगी, तो फिर भी सोचा एक वीडियो बना दूँ आपके लिए। तो चलिए इसकी वायरिंग देखते हैं। ये जो इसका पूरा मीटर बॉक्स है ना, इसी के अंदर ही वायरिंग होगी। तो इस पैनल को एक बार खोलना होगा हम लोग को। तो चलिए खोलते हैं इसको। ये देखिए, इस वाला पैनल में वायरिंग होगी। इसको खोलने के लिए ऊपर में एक नट है और नीचे छोटा सा स्क्रू है। तो ठीक, इसको खोलेंगे तो बाहर आ जाएगा। इसका ऑपोजिट में भी एक नट और स्क्रू मिल जाएगा। तो चलिए इसको खोलते हैं। ऊपर नट जैसे खोले ना तो पता चला एक नीचे छोटा सा एक और नट है। तो उसको जैसे खोलेंगे ना, ये देखिए, ये वाला नट को खोलेंगे तो हैंडल अच्छे से बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए, हैंडल निकाल लिया हम लोग। तो अंदर में इसका वायरिंग देख लीजिए एक बार। तो इसी में हम लोग का मेन और इग्निशन वायरिंग मिल जाएगा। तो चलिए मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को एक बार अर्थिंग में देंगे और मेन में सटा के देखते हैं। ये देखिए, 12 वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये हमारा मेन वायर है। ठीक है, देखिए 12 वोल्टेज आ रहा है। अब ठीक है, उसका बगल वाला वायर में चेक करते हैं। देखिए फिलहाल 0 आ रहा है। चाबी जैसे ऑन करेंगे तो 12 आ जाएगा। चाबी हमने ऑन किया, देखिए जैसे चाबी ऑन किया 12 वोल्टेज आ गया, मतलब ये इग्निशन का वायर है। तो चलिए इसी में वायरिंग होगी हमारी। तो ये रहा हमारा GPS, जिसमें अवतार वाइनिक GPS है, जिसमें हम लोग GPS प्रोवाइड करते हैं और एक GPS का वायर देते हैं। ठीक है, और ऐसे डब्बे में हम लोग एक सिम और यूजर मैनुअल कार्ड और एक कीरिंग वगैरह भी देते हैं। तो ये रहा GPS का तार, जैसे आपको पता है रेड, ब्लैक, ग्रीन और GPS का रिले का वाइट रहता है। तो रिले इसमें कनेक्शन नहीं हो रहा, तो उसमें सिर्फ प्लस माइनस और इग्निशन जाएगा। तो हम लोग दोनों वायर को ले लेंगे, रेड वायर और ग्रीन वायर को आपस में छील के उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेड वाला वायर को लेंगे और इसमें हम लोग वायर नहीं कट करें गाड़ी में, क्योंकि ये पहले से कट किया गया, क्योंकि बहुत पुराना मॉडल का गाड़ी है। तो उसी कट वायर में हम लोग मेन वायर में GPS करंट जोड़ देंगे। GPS को कनेक्ट करने के बाद उसको आपस में अच्छी तरह से टेपिंग कर देंगे और अच्छी तरह से टेपिंग करें, देखें कहीं से लीक वगैरह ना हो, इससे आपका शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग इग्निशन का वायर ले लेंगे और उसका ठीक बगल वाला वायर इग्निशन का वायर था, तो ग्रीन वायर को उसमें कनेक्ट कर देंगे। इसको भी छीलने का दरकार नहीं पड़ा, तो पहले से कटा हुआ था इसे ला, आपस में सिर्फ जोड़ दे रहे हम। तो चलिए इसको भी टेपिंग मार देते हैं। इसके बाद हम लोग का बचा ब्लैक वायर, मतलब एक बॉडी अर्थिंग। और तो ऊपर में एक छोटा सा नट है, तो उसमें हम लोग अर्थिंग जोड़ देते हैं, फिर GPS में सिम लगा के GPS को कनेक्ट करेंगे और GPS को एक्टिवेट कर देते हैं। तो हमने GPS में सिम लगा के GPS को एक्टिवेट कर दिया और इसमें प्लास्टिक का रैप लगा के इसको केबल टाइम अच्छे से फिट कर देंगे। इससे क्या होगा, अगर गाड़ी वॉश भी करेंगे तो उसमें पानी नहीं जाएगा और आपका GPS थोड़ा सेफ रहेगा। ऐसे ये वाटर प्रूफ रेजिस्टेंट है। और GPS से कोई भी रिलेटेड वीडियो हो तो आप हमारा वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको सभी तरह का GPS का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और वायरिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें आपको सभी तरह के वीडियो मिल जाएगी।